तो टेबल क्रिएशंस में हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से हम एमएस एक्सेस में टेबल को क्रिएट करेंगे। और गोयल जी आपके एंड से शोर आ रहा है तो मैं आपको म्यूट कर देता हूँ, जब भी आप कुछ पूछना होगा तो अनम्यूट कर लीजिएगा। तो यहाँ जैसे क्रिएट पे मैं आया और मैंने यहाँ पे गया टेबल, तो टेबल पे क्लिक करते आपको इस तरह का दिख जाता है। तो मैं इस पर ना जाके मैं डिजाइन टेबल पर जाता हूँ, डिजाइन दिख रहा है ना आपको डिजाइन टेबल, तो डिजाइन टेबल पे कुछ इस तरह के आता है। बेसिकली जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो कुछ इसी तरह का टेबल क्रिएट करते हैं, राइट। जैसे मैंने यहाँ पे डाला सीरियल नंबर, सीरियल नंबर डाला, और ध्यान रखिएगा जब भी फील्ड नेम बनाएंगे तो आप उसमें डॉट नहीं लगाएंगे, एमएस एक्सेस डॉट को एक्सेप्ट नहीं करता है। अब आता है डेटा टाइप, डेटा टाइप में आपको बताना होता है कि इस सीरियल नंबर में किस तरह का डेटा स्टोर होता है। तो जैसे मैंने बोल दिया, अगर मैं नंबर बोल दिया तो नंबर होगा, मैंने यहाँ पे ऑटो नंबर दे दिया तो ये ऑटोमेटिकली सीरियल जनरेट करेगा, ऑटोमेटिकली सीरियल। और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में इसके बारे में कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं कि ऑटो नंबर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप लिखें कि ना, चाहे ना लिखें। अब जैसे नेम लिख के आप करते हो तो इस तरह के पॉप आएगा, जब भी आप नेम डेट ऐसा चीज लिखेंगे तो आएगा ऐसा, इसलिए क्योंकि नेम हो गया, डेट हो गया, कॉपी हो गया, ऐसे जो है ये सब जो है रिजर्व वर्ड है। रिजर्व वर्ड है तो हम मैं बोलूंगा इसको अवॉइड कीजिए। जैसे मैं यहाँ पे सी नेम डाल दिया, ऐसा सी अंडरस्कोर नेम डाल दिया। शॉर्ट टेक्स्ट, अब शॉर्ट टेक्स्ट हुआ तो यहाँ शॉर्ट टेक्स्ट की जो कैपेसिटी होती है, यहाँ पे नीचे इसकी कैपेसिटी दिखती है, जो कैपेसिटी होती है वो होती है 255 करेक्टर। आप इसको यहाँ पे कम करना है तो कम आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है वो लिख सकते हैं कि नेम ऑफ कस्टमर, सी नेम के बाद मैं यहां पे डालता हूं एड्रेस, एड्रेस। अब यहां पे शॉर्ट नेम चलेगा नहीं क्योंकि इसमें 255 से भी ज्यादा हो सकता है, तो लॉन्ग टेक्स्ट, जब भी लॉन्ग टेक्स्ट देंगे तो लॉन्ग टेक्स्ट की साइज नहीं होता है। यहां पे लिख दीजिए कस्टमर एड्रेस या कुछ और जैसा। उसके बाद यहां पे आता है सिटी। अब सिटी मान लीजिए कि आपकी कंपनी जो है 3 या 4 या 5 सिटी में परफॉर्म करती है, तो आप चाहते हैं कि वो ड्रॉप डाउन टाइप का आ जाए कि 4 या 5 सिटी के अलावा कोई और सिटी ना डाल सके, तो आपको यहाँ पे लुकअप विजार्ड में जाना होगा। जी हाँ, लुकअप विजार्ड। इस लुकअप विजार्ड में जाने के बाद यहाँ पे दो चीज़ें होती है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर कॉलम है वहाँ से ना चाहते हैं या आप मैनुअली टाइप करेंगे। तो फिलहाल तो मेरे पास कॉलम नहीं है तो हमें टाइप ही करना है, तो यहाँ पे लिख दिया हमने आई विल टाइप, फिर नेक्स्ट, और यहाँ पे हम अपने सिटी का नाम दे देते हैं। गोयल समझ में आ रहा है आपको सर? पुणे, नोएडा, रायपुर, कानपुर, उदयपुर, ऐसे डाल दिया। फिर मैं नेक्स्ट किया, देन नेक्स्ट किया एंड फिनिश, ये आपका आ गया। उसके बाद सिटी के बाद यहां पे आता है पिन नंबर, पिन कोड। अब आधे स्पेस दे दिया तो मैं बोलूँगा कि आप जब टेबल जनरेट करें तो स्पेस को भी अवॉइड करें, क्योंकि उसमें आगे चल के फिर आप इसे अवॉइड कीजिए। अब यहाँ पे पिन नंबर मेरा नंबर है, ठीक है, लेकिन या नंबर है या फिर मैं इसको टेक्स्ट ही ले लेता हूँ, नहीं नंबर ही होना चाहिए टेक्स्ट में या लार्ज नंबर। यहाँ पे एरिया पिन कोड,
अब इसमें दिक्कत ये है कि मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है मोर देन 10 डिजिट नहीं, मोर देन 6 डिजिट या लेस देन 6 डिजिट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है वैलिडेशन रूल्स, तो यहाँ पे हम इक्वल करेंगे, इक्वल नहीं करना होता इसमें, यहाँ पे लिखेंगे लेन, और लेन फॉर्मूले में हम देंगे इसमें कर्ली ब्रैकेट में, पिन कोड, और इसको हमने क्लोज कर दिया, तो हमने बोला इक्वल टू 6। ओके, इस तरह से यहाँ पे दे सकते हैं। और यहाँ पे टेक्स्ट हमने डाल दिया कि प्लीज एंटर वैलिड पिन। उसके बाद मैं यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर सेम हम रिलेशन लगा सकते हैं, और यहाँ पे हम यहाँ देते हैं अमाउंट, और अमाउंट में हमारा नंबर है, और नंबर में यहाँ पे लॉन्ग इंटीजर नहीं है, हम इसको डबल कर दें, क्योंकि हमें यहाँ पे डेसिमल्स भी डालना पड़ सकता है, इसलिए यहाँ पे आपको फील्ड साइज को डबल करना होगा। अब मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ पे एफ डेटा के नाम से सेव करता हूँ। सर एक मिनट सर, बोलिए। अच्छा, और जो पिन कोड का जरा फिर से बताइए तो सर, पिन कोड। मैं बता रहा हूँ, एक मैं एंट्री करके दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, मैं देख रहा हूँ सही सही है कि नहीं है। यहाँ पे हमने लिख दिया पूजा, एड्रेस में लिख दिया F201, सिटी देखिए ड्रॉप डाउन आ गया, क्योंकि तो हमने लुकअप भी जा लिया था। पिन कोड में हमने यहाँ पे लिखा 11 0062, एक्सेप्ट कर लिया। मोबाइल नंबर भी हमने सेम लिखा 9388, एक्सेप्ट कर लिया। अमाउंट पे 250 कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं कि अगर मैं यहाँ पे कम डालता हूँ तो क्या होगा, देखा प्लीज एंटर वैलिड पिन, अगर मैं ज़्यादा डाल दूँ फिर भी बोलेगा, सो मुझे यहाँ पे 6 डिजिट ही डालना होगा। अब आपने बोला मैंने क्या किया है, तो मैं वो चीज़ भी आपको दिखाता हूँ। मैं इसको वापस डिज़ाइन में आता हूँ, जैसे कि हमने पिन नंबर में लॉन्ग इंटीजर और यहाँ पे पिन कोड लिया हुआ। अब लॉन्ग इंटीजर हम क्यों डालें, इसके भी एक पीछे रीज़न है। मैं इसको यहाँ पे टेक्स्ट भी डाल सकता हूँ, यहाँ हम टेक्स्ट भी डालेंगे फिर भी परफॉर्म हमारा करेगा। तो हमने क्या किया हुआ, हमने फॉर्मूला डाला हुआ है, यहाँ देखिए जो वैलिडेशन रूल आता है ना, वैलिडेशन रूल, हाँ यस, हाँ समझा। उसमें हमने लेन का फॉर्मूला डाला। लेन का फॉर्मूला क्या है कि लेंथ बताता है किसी भी फील्ड का, उस फील्ड में कितना है। तो हमने बोला कि भाई लेन इक्वल टू 6 होना चाहिए, अगर 6 से कम या ज़्यादा डाले तो वैलिडेशन टेक्स्ट, इस ये जो है मैसेज आना चाहिए। ओके ओके समझ सर, गए। इसमें जो रूल जो है खाली लेन इक्वल टू 6 लिखेगा तो भी चलता है ना? नहीं, लैन में कौन सा फील्ड, ये जो अपना जो पिन कोड वाला जो है ना, कौन फील्ड सा नेम, पिन कोड। आपको फील्ड नेम डालना पड़ेगा। अच्छा, फील्ड नेम डालना पड़ेगा। जी ओके, ठीक है। और टेक्स्ट में भी प्लीज एंटर द ये जरूरी नहीं पिन। है, ये आप अपने हिसाब से जो मर्जी डाल सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ ठीक है सर, क्लियर है, क्लियर है सर। अब मैं यहाँ पे GST निकालना चाहता हूँ, GST, और GST में मैंने यहाँ पे नंबर दिया हुआ है, नंबर यहाँ पे हम कैलकुलेटेड दिए हैं, क्या दिया है, कैलकुलेटेड। तो कैलकुलेटेड में यहाँ पे हमने कैलकुलेटेड में, अब यहाँ पे हमने फंक्शन डाला हुआ, तो यहाँ पे हम फंक्शन भी डाल सकते हैं, या फिर मैंने बोला कि अमाउंट मल्टीप्लाई, अब यहाँ पे 18% नहीं दे सकते, अगर 18% लिखा तो आपको एरर देगा। ओके, एक मिनट मैं बताता हूँ क्या एरर आएगा। एरर आया नहीं, सेव नहीं हो रहा है, क्यों, क्योंकि जो हमने 18% दिया हुआ है ना इसमें। अच्छा, मैं वापस आता हूँ इसमें, कैलकुलेटर में तो यहाँ हमें दे रहा हुआ इक्वल, हमने अमाउंट लिया और मल्टीप्लाई बाय 0.18, ठीक है।
अब ये एक्सेप्ट कर लेगा, अब यस कीजिए सर। एक सर एक मिनट सर, ये जो अपना जीएसटी कैलकुलेटर जो फील्ड कैलकुलेटर लाया वो कैसे करने का, वो कैलकुलेटर ऑटोमेटिक आएगा उसको फिर कैलकुलेटर करें? यहाँ पे जैसे ही आप कैलकुलेट वाला फील्ड सेलेक्ट करेंगे ना, हाँ ऑटोमेटिक है। अगर मान लीजिए कभी केस पे कैंसिल हो गया नहीं आया, तो यहाँ एक्सप्रेशन दिख रहा है, जब इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे जो आपका फील्ड प्रॉपर्टीज होता है उसमें एक्सप्रेशन है। आप एक्सप्रेशन में जाके इस वाले जो थ्री डॉट्स पे क्लिक करेंगे ना, अच्छा तो आ जाएगा। ओके ओके ठीक है। हाँ ठीक है सर। अब यहाँ देखिए तो ऑटोमेटिक जीएसटी पहले से जो डेटा एंट्री थी उस पर भी कैलकुलेशन हो गई, अब मैं जो भी डालूंगा उस पर हो गई। अब मैंने बताया था पिन नंबर में हमने टेक्स्ट क्यों नहीं डालना चाहिए था, जैसे आप बताता हूँ सिटी सेलेक्ट किया हमने और यहाँ पे हमने, अब यहाँ पे मैं 6 डिजिट का कुछ भी डाल सकता हूँ, ए बी सी डी ई एफ जी एच। चलो ज़्यादा हो गए कम हो गए 3, हाँ एक ले लिया सर, तो गलत है ना सर, इसे तो मैं नंबर होना चाहिए ना, इसलिए हाँ। हमने प्रॉपर्टीज में नंबर डाला, ठीक है। अच्छा तो हमने यहाँ पे क्या हुआ, हमने लॉन्ग टेस्ट समझ गया, टेक्स्ट शॉर्ट टेस्ट, लॉन्ग टेस्ट, नंबर लार्ज नंबर समझ में आ गया, डेट एंड टाइम मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया ही था, ऑटो नंबर भी समझा दिया मैंने आपको, हाँ ओके, कैलकुलेट एंड लुकअप विजार्ड भी समझ में आ गया। अच्छा लुकअप विजार्ड एटले कैसे, लुकअप विजार्ड कैलकुलेट फीड मैंने बताया था सिटी के लिए लुकअप विजार्ड, हाँ हाँ बराबर समझा समझ गया, ठीक है समझ में आ गया। अब इसमें हाँ, बचता है आपका ओली ऑब्जेक्ट जो है उसको फिलहाल रहने दीजिए, उन्हें बताना यस नो। अच्छा यस नो क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ पे एक कर देते सर, ओली ऑब्जेक्ट ओली ऑब्जेक्ट वो अलग है जो उसको छोड़ दीजिए फिलहाल, वो आगे के चीज़ है सर, आगे तो अभी आपको समझ नहीं आएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दिया कि यहाँ पे हमने लिख दिया इंडियन, इंडियन मतलब जो फॉर्म भर रहा है क्या इंडियन है या नहीं है, यस एंड नो, यस नो पे क्लिक करूंगा तो क्या होगा, जब वहां एक चेक बॉक्स आ जाएगा, यहाँ फिल्म डेटा में देखिए चेक बॉक्स आ गया, क्लिक किया तो यस अदरवाइज नो, यस एंड नो, ठीक है बराबर। अब आपको यस नो नहीं चाहिए, ट्रू फॉल्स चाहिए, तो राइट टेबल के ऊपर राइट क्लिक करके डिजाइन में जाइए और यहाँ कई चीजें हैं, ट्रू फॉल्स ऑन ऑफ तीन है, ट्रू फॉल्स कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं या यस एंड नो कर सकते हैं। लेकिन वहाँ आपको चेकबॉक्स ही दिखेगा, यहाँ जो है आपको चेकबॉक्स ही दिखेगा, लेकिन जब डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे तो वहाँ पे यस एंड नो दिखेगा, ठीक है। ठीक है सर, चलिए ओके ओके सर। अब ये जो फीचर्स मैंने बताए हैं इसका उपयोग कीजिए, उपयोग करके फिट टेबल बनाइए जिसमें आप लुकअप भी चार्ट भी यूज करें, जैसे मोबाइल नंबर हमने डाला तो यहाँ भी आप फॉर्मूला डालिए कि भाई मोबाइल नंबर 10 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके सर ठीक है, या +91 ऑटोमेटिक आ जाए, पहले से यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा है आपको, डिफॉल्ट वैल्यू, हाँ सर डिफॉल्ट वैल्यू दिख रहा है, डिफॉल्ट वैल्यू में 91 कर दिया मैंने, डिफॉल्ट वैल्यू 91 करेंगे मोबाइल नंबर में ना, हाँ मोबाइल नंबर में, देखिए क्या यहाँ पे 91 होगा, आप यहाँ पे अपना नंबर डाल, ठीक है ओके ओके ठीक है ओके सर, ठीक है ठीक है सर, चलिए इसको बनाइए और बीच भेजिए, अभी शुरुआत में है, छोटी छोटी क्लास ले रहा हूँ, फिर धीरे धीरे स्पीड करूँगा, ठीक है ना? नहीं 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 वो तो मालूम है सर, वो जितना स्लो है ना मैं प्रैक्टिस किया था सर, वो जो फील्ड वाला जो है ना सर वो मैंने ही करके भेजा था, जो जीएसटी वाला जो स्टॉक का वगैरह सब बना के मैंने भेजा था, पर इसमें जो आपने एक लिंकेड जो बीच वाला है ना सर वो मेरे से नहीं हो रहा है सर एक्सेस में, मैं बता दूंगा पहले इसको कीजिए, बता दूंगा मैं, देख लिया क्या क्या प्रॉब्लम है आपको, ठीक है हाँ ठीक है सर।